नो अ सिंगल पेपर ऑफ़ मार्कशीट कैन नेवर डिफाइन यूर एक्सेलेंस एंड इंटेलिजेंस बट इट कैन मेजरली डिफाइन यूर फ्यूचर एकेडेमिक करियर हैलो एवरी वन हियर आई एम ऋषकेश कठानी आई एम अ बी एस सी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड आई एम शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लर्निंग ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस आफ्टर ऑल इस चैनल का मोटिव यही है टू हेल्प जूनियर्स एज वेल एज न्यू कॉमर्स इन एग्रीकल्चर एजुकेशनल फील्ड एंड ये वीडियो बनाने का बस एक ही रीज़न है कि तो जो गलतियाँ मुझसे हुई है वो आपसे ना हो और आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस एज वेल एज़ करियर इस फील्ड में बेस्ट हो सो so इनिशियली हम बात करेंगे न्यू कॉमर्स वो की सो न्यू कॉमर्स आपके लिए बस एक ही सजेशन है कि आप बेस्ट कॉलेज चूज कीजिए जहाँ आपके एकेडमिक ग्रोथ तो हो ही एज वेल एज़ आपका ओवरऑल पर्सनलिटी भी ग्रोथ हो काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि जो भी कॉलेज मिला बेस्ट है बट नहीं आप कॉलेज वालों को पूछिए कि आपके पास फील्ड कितनी है प्रैक्टिकल्स होते या नहीं होते बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सो so, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप एडमिशन कीजिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है एग्री हसलर्स इज ऑलवेज विथ यू सो यस अभी हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे आप अपना सी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग और मेंटेनिंग स्टेज में रखें सो फोकस ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन रादर देन स्टडी वन डे बिफोर एग्जाम इसकी आपको एम में बहुत हेल्प होगी एंड बेसिकली फाइनेंस सी ओवरऑल पी एवरऑल फोर ईयर्स का एवरेज ही निकलता है सो स्कोरिंग गुड इन ईच एंड एवरी सेमिस्टर विल इवेंचुअली हेल्प यू टू स्कोर गुड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट ऑफ फोर्थ ईयर विच मींस रावे स्टूडेंट सो रावे टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है सो देर इज नो रिटर्न एग्जाम सो आप अपने प्रैक्टिकल्स पर पूरा फोकस कीजिए जितने भी डेमोज हैं आप खुद से परफॉर्म कीजिए बिकॉज सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपके वाइवा पर डिपेंड होते हैं एंड अगर आपने प्रैक्टिकल सही से किए होंगे सो so वायवा में तो आपका अच्छा स्कोर निकलेगा ही और आप अपने सबमिशन डेट पर भी पूरा ध्यान रखेंगे बिकॉज लेट सबमिशन विल डेफिनेटली रिड्यूस योर मार्क्स नाउ द बेस्ट एडवाइस जो कोई भी सीनियर शायद ही अपने जूनियर्स को देता होगा बट मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूँगा मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स शेयर करूँगा और अगर ये पॉइंट्स अगर मुझे पता होते तो शायद मेरा भी कुछ भला हो जाता नंबर वन मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशन विथ ऑल द लेक्चरर्स ओवर देयर अपन कहते हैं ना वो लड़का या लड़की चमचागिरी करती है सो so आप भी कीजिए कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है चार ही साल करना है ना बिंदास कीजिए नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक आपको जो कोई भी पूछे मतलब कॉलेज में कि आपको क्या करना है सो so आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि मुझे एम करना है आपका एम क्या है मुझे एम करना है दैट्स इट आपको पूछेंगे कौन से सब्जेक्ट में बोल दीजिए रैंडम कोई भी हाँ अगर आपका जेन्यून गोल है सो नो प्रॉब्लम आपको जानकारी होगी ही बट नहीं भी होगी तो भी बोल दीजिए रैंडम कोई भी सब्जेक्ट और बोलिए कि मुझे एमएससी करना है बस इतना मत बोलना कि मुझे जॉब करनी है मुझे शॉप डालना है मुझे एम करना है एक्सेट्रा बिकॉज कैसा है ना बी एस एग्रीकल्चर के बाद जो लड़का है या लड़की एम एस सी करते हैं सो जितने भी लड़के एम एस सी के लिए लगते हैं उससे कॉलेज की रिपोटेशन बिल्डअप होती है सो so उनके लिए एम एस सी ही सब कुछ है उसके अदर, अलावा जो अदर फील्ड्स है एम बी ए है कोई भी फील्ड है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सो so आप भी बोल दीजिए कि मुझे एम एस सी करना है और ये बात गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों पर अब्लिकेबल होती है सो so, आपको यही बोलना है एक ही एम एक ही शॉर्ट टर्म गोल आपको बस एम करना है एंड वन मोर पॉइंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या नहीं भी खेलते हैं आप अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो डेफिनेटली आपके सी में इंक्रीमेंट लाएंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक्स मीरेटर फॉर ऑल द सजेशंस बस आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए आपके सारे एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के साथ ओके गुड बाय